आदाब पर्पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी बीते दो दिन पहले मैंने बकरीद के दिन आप लोगों के सामने एक खबर रखी थी। सिख भाइयों ने ऐलान किया कि वो कश्मीरी बेटियों को सही सलामत उनके घर वापस लेकर के जाएंगे। तो एक जहन में बात याद आती है कि झूठ बड़ा सरकार का या दिल बड़ा सरदार का। ये वो लाइन है जो मैं आप लोगों के सामने बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रही है और हमारे सिख समाज के भाई जो हैं, हमारे सरदार भाई, मिसाल पेश पे पेश करते जा रहे हैं। एक इंसिडेंट छोड़ दीजिए, एक इंसिडेंट खत्म नहीं होता तो दूसरे इंसिडेंट पर वो अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं, या जिस बारे में हम लोग सोच ही रहे होते हैं वो उस काम को करके गुजर जाते हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमें सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के हालात एकदम ठीक है और कश्मीर में सब कुछ मंगल मंगल चल रहा है, क्योंकि अब तो मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए कल सिनेमा घरों पर मिशन मंगल भी आ जाएगी। तो वही मिशन मंगल की तारीफ करते हुए हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर नजर आ रहे हैं। पर हकीकत में जब बात की जाए तो वो वास्तव से कोई लेना देना नहीं होता। पर जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं, पहले एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और मेरे पास लगातार ना जाने कितने लोगों ने उस वीडियो को भेजा, क्योंकि ये बोलते हुए कि नदीम भाई आप इस वीडियो को दिखाइए, आप इस खबर के बारे में बात कीजिए ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो और वो उन घटनाओं पर जो लोग नफरत फैलाना चाह रहे हैं वो एक मिसाल बन के एक एकता की मिसाल पेश कर सके। तो चलिए ज्यादा ना बात करके पहले देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आखिरकार क्या कुछ बयां कर रहा है। वो कॉल करे थे ना? मैंने ही कॉल किया। अब आपकी बेटा पहुंच गई। आप क्यों निकल गए? हमें बाहर और बच्चे हैं। नहीं, पहले चाय पियेंगे थोड़ा। नहीं नहीं, आप ही नहीं पीएंगे। मैं एक कप चाय पीएंगे यार, एक ही कप चाय पीएंगे। अभी अभी जाना है, उसके बाद बहुत दूर जाना है। मुझे पहले जो फोन चल रहा था कि हम अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे, मेरी बेटी हमें जाने तो अभी एक चाय का पी लीजिए, फिर कभी पियेंगे आएंगे कभी। जिंदगी रही तो आपके पास फिर दोबारा आएंगे। शुक्र गुजार रही है कि जो संगत के ये टीम है, सरदारों की टीम, उन्होंने आज हमारा साथ दिया, तब जाके ये बचे हैं। आप कहाँ पर रहते हैं सर? हम दिल्ली में हैं। कौन सी जगह? दिल्ली जमुना पर, फ्रांस जमुना। और साथ में फ्रेंड हमारे जो फ्रेंड है वो तिलक नगर से है। नंबर मेरा लिखो तो भी आप नोट करना है। आप बोलिए, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपका नंबर, बोलिए आप आराम से, आप बताइए। 9 5 मोहम्मद शफी। हाँ ओके। किसी वक्त भी मेरी जरूरत। अरे सर आप दिल्ली आइएगा ना कभी, मैं आता हूँ सर। जोर का मौका दीजिए, आप हमको मौका दीजिए। गुलमर्ग आ रही थी बस, बाकी किसी चीज का चिंता नहीं है सर। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा तरीके से। बच्चे से रहना, बच्चों की केयर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू। वालेकुम सलाम। गुमर खुश पर सेहत ठीक है? बिल्कुल ठीक हो, असल पेट होगा। शुक्र सामान वाम। चलो भैया। तो दोस्तों आपने देखा कि एक सिख भाई कश्मीर में एक बेटी की हिफाजत करते हुए उस बेटी को महफूज उसके घर पहुंचा देता है।
ये खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी थी बकरीद के दिन, क्योंकि जब मेरे पास ये खबर आई तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जो एकता की मिसाल पेश कर रहे थे और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कश्मीर की बेटियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और इस आग में, नफरत की आग में हरियाणा के सीएम खट्टर भी कूदते हुए नजर आए, जो कहने से गुरेज नहीं कर गए कि उन्हें बहू चाहिए तो कश्मीर की गोरी बहू, तो वही साध्वी प्राची जो अक्सर जहर उगलती रहती हैं, वो कहती हुई नजर आई कि गोरी लड़कियों की शादी मैं अपने कार्यकर्ताओं से कराऊंगी। तो वहीं यूपी बिहार के लोगों ने गाने एक से एक बढ़ करके, जिन्हें सुन करके ही शर्म आती है हुकूमत पर कि वो कैसे इन गानों को बढ़ावा देती है अपनी तारीफ करवाने के लिए, जिससे एक समाज में जो मैसेज जा रहा है, गंदगी जा रही है, उसके बारे में वो रोक नहीं लगाना चाहती। पर अगर कोई एकता की मिसाल पेश करेगा तो उस पर रोक लगाई जाएगी। सिख भाई को सलाम, जो एक बेटी को महफूज तरीके से, जो दिल्ली के यमुना नगर का रहने वाला है, वो लेकर के कश्मीर की बेटी को उसके घर लेकर के जाता है, तो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह खुशी का मंजर उस परिवार के चेहरे पर देखने को मिल रहा है और बेटी से लिपट लिपट करके रोते हुए कभी मां नजर आ रही है तो कभी लड़की के वालिद सिख भाई का हाथ चूमते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ छोड़ने का उनका मन नहीं कर रहा और कह रहे हैं कि एक कप बस चाय पी लीजिए। ये वो मंजर है जो थोड़ा गमगीन करता है, ये वो मंजर है जो एकता की मिसाल पेश करता है। पर इन सब वीडियो के बारे में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करना चाहता, वो सिर्फ दिखाएगा तो खट्टर को अपने बेटे के लिए कश्मीर की गोरी बहू चाहिए, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये बताने में गुरेज नहीं कर रहे कि नीली वाली मेरी, काली वाली तुम्हारी। लड़कियों को इस मानसिकता से देखने वालों के मुंह पर और खासकर भाजपा के मुंह पर ये करारा तमाचा हमारे सिख भाइयों ने जड़ा है, जो एक एक बेटी को लेकर के उनके घर महफूज सही सलामत छोड़ करके आए हैं। इनके जज्बे को सलाम। और अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सिख भाइयों, एक ही तो दिल है हमारे पास, उसे कितनी बार आप लोग जीतेंगे। जब देश में या दुनिया में कहीं भी कोई हादसा होता है या किसी तरह की आपदा आती है तो सबसे पहले खालसा गुरु लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाता है। वो धर्म जाति नहीं देख करके सिर्फ इंसानियत का पैगाम देते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर जब देश में जय श्री राम का नारा गूंज करके मुसलमानों को मारा पीटा जाता है और दिल्ली में जब एक सरदार को बेरहमी से पुलिस वाले पीटते हुए नजर आते हैं तो सिख भाई थाने का घेराव करते हुए नारत अकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरह से कश्मीर की बेटियों के हिफाजत के लिए अकाली तख्त ने ऐलान किया कि अगर कश्मीर की बेटियों के हिफाजत के लिए तलवार भी उठानी पड़े तो उससे गुरेज नहीं करना, तो वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ईद के दिन उन कश्मीरी बच्चों के साथ ईद मनाते हुए नजर आते हैं जो अपने घर पहुंच नहीं पा रहे। तो सिख भाइयों के इस जज्बे को सलाम, इस इंसानियत को सलाम, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जो करारा तमाचा जड़ा है वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझसे नहीं रहा गया इस खबर के बारे में बात किए बगैर, तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। शुक्रिया। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर,
وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ ملک کو آزاد ہوئے 70 سال گزر چکے ہیں، اس بیچ ہم نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا۔ آج ملک کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ان بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نامہ پل پل نیوز پر۔